आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगा मंथन। सभी मोर्चों के अध्यक्ष को बुलाया गया, पार्टी पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा, विधायकों और सांसदों से करेंगे समर्थन की अपील, दोपहर 3 बजे पहुंचने का कार्यक्रम। आज यूपी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद लेंगे शपथ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र नागर, राधामोहन दास होंगे शपथ ग्रहण में शामिल। अग्निवीर योजना में भर्ती का इंतजार खत्म, बड़े पैमाने पर होंगी भर्तियां, यूपी में 6 और उत्तराखंड में 3 भर्तियां, रैली होगी। ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक्शन, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन मैनेजर निलंबित, अपने कारोबियों की अलॉट करने में पाए गए थे दोषी। बदायूं में 3 महिलाओं की अज्ञात वाहन से कुचलकर दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम, जरीफनगर थाना क्षेत्र उस्मानपुर गांव की घटना। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने की जमकर मारपीट, शराब पीने से मना करने पर जूस कॉर्नर संचालक को दबंगों ने पीटा, घटना सीसीटीवी कैद हुई, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली, हत्या के मामले में फरार चल रहे थे दोनों बदमाश। कासगंज में अज्ञात चोरों ने मकान के गेट का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की, घटना को दिया अंजाम, घर में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत 46,000 रुपए नकदी लेकर फरार हुए चोर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में पिस्टल प्रदर्शन का फोटो वायरल, युवाओं में अवैध पिस्टल प्रदर्शन का नया ट्रेंड, युवक ने फोटो सोशल मीडिया पर किया वायरल, वायरल फोटो, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बदायूं में जिला महिला अस्पताल से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, तीमारदार से रिश्वत लेते स्वास्थ्यकर्मी का वीडियो वायरल, वीडियो वायरल होने से अस्पताल में मचा हड़कंप। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मारी गई गोली, शिंजो आबे के पीछे खड़े हमलावर ने मारी गोली, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। पश्चिमी जापान के नारा शहर में मारी गई गोली, नारा शहर में एक सभा के दौरान मारी गई गोली, भारतीय समयानुसार 8 बजे मारी गई गोली। गौतम बुद्ध नगर में कई सालों से गायब चल रहे टीचर्स पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक्शन, नदारद 8 टीचरों की सेवाएं समाप्त, कई बार नोटिस का भी नहीं दिया जवाब। रायबरेली में अधिकारियों का गजब का कारनामा, बच्चों को पैसे का लालच देकर कराया वृक्षारोपण। गोंडा में फरार कैदी पुलिस मुठभेड़ में घायल, कोर्ट में पेशी के लिए लाने के दौरान हुआ था फरार, महज 10 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत में गला रेत कर युवक की नर्मम हत्या, परिजनों ने थाने पर किया हंगामा, हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरनगर में दुकानदार की जेल अधीक्षक और जेलर के साथ अभद्रता, अंजाम भुगतने की दी धमकी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुजफ्फरनगर में बच्ची का शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम, नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर बोला हमला, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया जाम। लखनऊ में अधेड़ शख्स का शव मिलने से हड़कंप, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, बंतरा की गली चुनौती नगवा नाला नोला गांव का मामला। पीलीभीत में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद, शाहजी बाबा की मजार पर टिप्पणी करने पर बवाल, युवक के साथ की गई मारपीट, हवाई फायरिंग का भी आरोप। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में पुलिस ने मारा छापा, सोसाइटी में फ्लैट में कसीनो का भंडाफोड़, मौके से 4 युवती समेत 9 लोग गिरफ्तार। रामनगर में डेला नदी में बही यात्रियों से भरी कार, हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज सुबह 5 बजे की बताई जा रही है घटना, पंजाब के पर्यटक बताए जा रहे हैं सभी, बारिश की वजह से नदी में बढ़ा था पानी। मुरादाबाद में रॉयल पैलेस बैंकेट हॉल पर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, हॉल के पिछले हिस्से को गिराया गया। बाराबंकी में पशु तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पशु तस्कर शिबू उर्फ मुख्तार की 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कुर्की। बदायूं में पुलिस ने कुख्यात अपराधी के 3,32,821 रुपए की संपत्ति की कुर्क, डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई। मेरठ में कुख्यात भू माफिया यशपाल तोमर पर एक बार फिर से कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति कुर्क, भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। मऊ में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेंटर पर चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में पेशी पर लाया गया कैदी, कचहरी से हुआ फरार, कैदी के फरार होने से मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्कर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने महिला समेत दो तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद। मेरठ में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, कार के डूबने से मचा हड़कंप, कार में सवार दो लोगों को निकाला गया बाहर, दो की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में कॉलेज में हुआ जमकर हंगामा, बाहरी लोगों ने शिक्षकों के साथ की गाली गलौज, मौके पर पहुंचे पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, बदसलूकी का वीडियो वायरल। अमरोहा में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला आया सामने, बेटे ने अवैध संबंधों के शक में की मां की हत्या, पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। हरिद्वार में जीआरपी ने 15,000 के नामे बदमाश को किया गिरफ्तार, 6 साल से फरार चल रहा था आरोपी, लूट के मामले में था फरार। शाहजहांपुर में पुलिस की बंजारा गैंग से मुठभेड़, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सरगना समेत बंजारा गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, आसपास के कई जिले में सक्रिय था गैंग। बादा में चकबंदी विभाग का एक बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, अपने रिश्तेदारों के नाम खरीदी जमीन, जिससे नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन, जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में चौकी सेवाधाम पर पथराव करने वाले 11 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दो पक्षों में झगड़े के बाद एक पक्ष पहुंचा था थाने। अमेठी ने विद्युत विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी की मौत, करंट की चपेट में आने से हुई मौत, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। उन्नाव में पुलिस ने नशा तस्कर पर कसा शिकंजा, दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 क्विंटल गांजा किया बरामद। अमरोहा में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में धर्मगुरुओं के साथ की बैठक, शांति बनाए रखने की अपील की। ग्रेटर नोएडा में 7 महीने की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, धनकौर थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में 376 आबकारी दुकानों में 226 ने नहीं लिया लाइसेंस, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से 30 जून तक लाइसेंस बनवाने का समय था। जौनपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 छात्र वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 3 चोरी की बाइक बरामद। कानपुर देहात में आपसी लड़ाई में युवक पर सरिये से हमला, बीच बाजार में ऑटो चालक ने किया हमला, मौके से फरार हुआ ऑटो चालक। हरदोई में मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी की पति ने की पीट पीट कर हत्या, परिजनों की तहरीर पर आरोपी पर केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज की नैनी में 5 जुलाई को तीर्थ पुरोहित की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बांदा में पूर्व प्रधान ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया आलीशान मकान, ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस। चंदौरी में पुलिस ने बाइक लिफ्टर गैंग का किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 बाइक की बरामद। गुना में तालाब में नहाते समय डूबे 2 बच्चे, दोनों की मौत, शव को निकाला गया बाहर, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। बलिया में फिल्म काली का विरोध, निर्माता पर मुकदमा दर्ज करने की मांग, फिल्म के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। बागेश्वर में नदी पार करने के दौरान युवक बहा, नेपाल का रहने वाला है युवक, युवक का अभी तक नहीं चल सका है पता। महोबा के नेहरू इंटर कॉलेज के नए सत्र में छात्रों को नहीं मिल पा रहा मिड डे मील का भोजन, विद्यालय के प्रधानाचार्य की लापरवाही आ रही सामने। मिर्जापुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट, एक साथ 18 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, सीएमओ ने की पुष्टि। वाराणसी को पीएम मोदी ने करीब 1800 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, 43 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने कहा, काशी ने सांसद बनाकर सेवा का मौका दिया, काशी हमेशा से जीवंत रही और यहां का विकास गतिमान रहा। वाराणसी में पीएम मोदी ने पिछले सरकारों पर साधा निशाना का, पहले कुछ नेताओं का भला हुआ था लेकिन देश और जनता का भला नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, विश्वनाथ धाम को लेकर दुनिया में उत्साह, दिव्य भव्य और नव काशी तैयार हो रही है, 9 सड़कों का शिलान्यास हुआ, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। वाराणसी में उत्तर भारत की सबसे बड़ी अक्षयपात्र रसोई का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 1 लाख छात्रों को भोजन तैयार करने की क्षमता। वाराणसी में शिक्षा समागम में बोले पीएम मोदी, काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं, मेरी काशी में आप पधारे हैं, आप मेरे मेहमान हैं, अगर आपको कोई असुविधा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। पीएम ने कहा, देश की आजादी के अमृतकाल में संकल्पों को पूरा करने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना। वाराणसी में शिक्षा समागम कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, हमें डिग्री धारक नहीं आधुनिक छात्र करने हैं तैयार, सीएम योगी बोले, नई शिक्षा नीति नए भारत की परिकल्पना।
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से किया संवाद। नौनिहालों ने किया पीएम के सामने अपने हुनर का प्रदर्शन। बच्चों ने सुना मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र। वाराणसी में पीएम मोदी का बच्चों के साथ दिखा अलग अंदाज। बच्चों ने पीएम मोदी को सुनाया गाना। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी शिक्षा समागम कार्यक्रम में किए संबोधित। सीएम ने कहा वाराणसी हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा। वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी का किया स्वागत। कहा आज बिना भेदभाव के लोगों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। हर क्षेत्र में देश का विकास हो रहा। सीएम योगी ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। कहा पीएम के नेतृत्व में देश का हो रहा विकास। बाराबंकी की हैदरगढ़ सीएचसी का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं पर सीएमओ को लगाई फटकार। ओटी का दरवाजा बंद देखकर हुए नाराज। अमेठी में विधानसभा तिलोई से मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। लखनऊ में विपक्ष की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए मांगा समर्थन। लखनऊ में जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा का किया समर्थन। का आरएलडी के सभी विधायक यशवंत सिन्हा के साथ। लखनऊ में एक साथ नजर आए अखिलेश यादव और आजम खान। पार्टी कार्यालय में दोनों हाथ थामे देखे गए। विधायकों की मीटिंग में हुए शामिल।